उत्तराखंड के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने के मुद्दे पर कुलाजिम आज फिर विचार करेगा। दोपहर बाद प्रस्तावित बैठक में चर्चा की जाएगी कि सरकार को दोबारा उनका नाम भेजा जाए या नहीं। इससे पहले केंद्र सरकार ने पहली बार जस्टिस केएम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश लौटा दी थी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव एक बार फिर विवादित बयान के कारण चर्चा में। उन्होंने इस बार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिले नोबेल पुरस्कार को लेकर गलत बयानबाजी कर दी। उन्होंने कहा कि टैगोर ने अंग्रेजों का विरोध करते हुए अपना नोबेल पुरस्कार लौटा दिया था। दिवंगत भारतीय अभिनेत्री श्रीदेवी को कांस फिल्म फेस्टिवल 2018 में सम्मानित किया जाएगा। 16 मई को आयोजित समारोह में श्रीदेवी के पति बोनी कपूर सम्मान ग्रहण करेंगे। ओपनर शिखर धवन और कैप्टन के विलियमसन की शानदार पारियों के बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली डेयर डेविल्स को 9 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ हैदराबाद टीम ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली।